नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 का कट ऑफ कितना जाने वाला है उसके बारे में आज के इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बात करने वाले हैं कि 2022 में यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक में आखिरकार कितना कट ऑफ गया था उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, आप सभी अगर नहीं जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सभी को बता दें, बिहार पॉलिटेक्निक में टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और झारखंड पॉलिटेक्निक में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक की बात किया जाए तो बिहार पॉलिटेक्निक में 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रहते हैं, और यूपी में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जिसमें से 50 क्वेश्चन मैथ का और 25-25 केमिस्ट्री और फिजिक्स का रहता है साइंस से, ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक में। और झारखंड पॉलिटेक्निक में 50 फिजिक्स से, 50 केमिस्ट्री से और 50 मैथ से पूछे जाते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक में, ठीक है। आप सभी को बता दें, यूपी में एक क्वेश्चन सही करने पर आप सभी को 2 नंबर दिए जाते हैं, वही बिहार पॉलिटेक्निक में एक क्वेश्चन सही करने पर आप सभी को 4 नंबर दिए जाते हैं और झारखंड में एक क्वेश्चन सही करने पर आप सभी को 1 नंबर दिए जाते हैं। सभी जगह, सभी स्टेट का अलग अलग अपना अपना फंडा है, अपना अपना तरीका है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का और एग्ज़ाम में आंसर का रैंक देने का, ठीक है। आप सभी यह सभी चीज़ें जान गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के जो शेयर करने वाले हैं कट ऑफ, आखिरकार कितना कट ऑफ जाने वाला है। दोस्तों, झारखंड की बात किया जाए कि झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 का कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो उससे पहले हम 2022 के बारे में आप सभी के साथ शेयर कर दें। 2022 में झारखंड पॉलिटेक्निक में वैसे स्टूडेंट जिनका 70 नंबर से ऊपर आया है, ओबीसी, एससी, एसटी या सभी कैटेगरी को मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ और जनरल और ओबीसी के नहीं, जितने भी एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी के लिए, वैसे स्टूडेंट जिनका 70 नंबर से ऊपर आया है, 150 में 70 नंबर से ऊपर लाए हैं, वह सभी स्टूडेंट को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। और वैसे स्टूडेंट जिनको टॉप 5 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, उनका कम से कम 80-90 क्वेश्चन अगर सही किए हैं 150 नंबर में, तो उनको जो है 100% जो है ना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल गया है। और आप सभी को यूपी पॉलिटेक्निक की बात किया जाए तो यूपी पॉलिटेक्निक में भी यहाँ पर यही है, वैसे स्टूडेंट जिनको टॉप 5 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उनको भी 70-80 नंबर लाना है, और नॉर्मल अगर किसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए था जिनको, उनको 60 नंबर कम से कम लाना पड़ा था तभी जाकर यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिला है। और बिहार पॉलिटेक्निक की बात किया जाए 2022 में कितना नंबर पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला है, तो मिनिमम 40 नंबर, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 90 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही कर दिए हैं वह सभी स्टूडेंट को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने टॉप 5 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया है उनको कम से कम 55-60 नंबर लाना पड़ा था 90 क्वेश्चन में। तो आप सभी को यह 2022 का डाटा आप सभी को समझ में आ गया होगा। 2023 में क्या रहने वाला है, दोस्तों झारखंड की बात किया जाए, यूपी की बात किया जाए या बिहार की बात किया जाए, इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी और थोड़ा सा कम हो सकता है और उससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए बिहार पॉलिटेक्निक में 40 नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाता है, बिहार के बाद झारखंड में 70 नंबर पर मिल जाता है, यूपी में 60 नंबर पर मिल जा रहा है, तो आप सभी का जो है ना 65 जाएगा, यूपी वालों को 65 नहीं तो 55, 70 वालों को 65 नहीं तो 75 या बिहार वालों को 40 नहीं तो 45, इसी प्रकार के 5 नंबर के आगे पीछे हर साल घटता या बढ़ता रहता है। बात किया जाए 2021 में घटा था या बढ़ा था, तो 2021 में घटा था, 2022 में बढ़ गया था। इस बार भी चांस है कि बढ़ेगा ना कि घटेगा, क्योंकि कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ेगा उस प्रकार से जो है ना एग्ज़ाम का जो सेलेक्शन रेशियो जो है वो बढ़ते ही जाएगा और आप सभी का जो मार्क्स है उसका भी रेट बढ़ते जाएगा। आई होप कि आप सभी को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 यूपी, बिहार, झारखंड या सभी का कट ऑफ 2023 का कितना जाने वाला है यह सभी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी भी प्रकार के आप सभी को समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।